डेट्स एंड नट्स, ऑल टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। आइए तमाम चीज़ें जो यहाँ पर मिलेंगे, ये शॉप गणपत गली चावी मार्केट बेलगावी में मौजूद है। इसके ओनर सलीम गोल वाले हैं। यहाँ पर हर तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे जो रमज़ान के इस मुबारक महीने के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इंसान की ज़िंदगी को सेहत बनाने के लिए। और यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं, जिसमें अजवा खजूर है और भी कई वराइटीज़ के खजूर यहाँ पर मिलेंगे जो अरब कंट्रीज से, ईरान से मंगाए गए हैं। बहुत ही वाजिब दामों में आपको यहाँ पर मिलेंगे। यस जी, डेट्स एंड नट्स, गणपत गली बेलगावी, विजिट करना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या है। इस वक्त की अहम खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से है, जहां से कर्नाटका के जब से इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, लोग अपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरना शुरू कर चुके हैं। इसी तरह एक ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति से शिवाजी सोनकर जो है बेलगावी ग्रामीण से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर चुके हैं। इनकी अब ये रेस देखना है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई जाति के लोग हैं तो मराठा जात है और इससे इनका फ़ायदा होना बहुत ही मुमकिन नज़र आ रहा है। इसी संदर्भ में इनके अपोजिशन में जो लीडर हैं वो लक्ष्मी में हेब्बाड़कर है, जो कांग्रेस से है। बीजेपी के अभी कैंडिडेट का कोई इंतखाब नहीं हो पाया है। अब देखना यह है कि बीजेपी अपने कौन से कैंडिडेट को यहाँ पर उतारेगी, और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है लक्ष्मी में हेब्बाड़कर, वो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है। लेकिन जब से शिवाजी सोनकर का दाखिला हो चुका है, इन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर चुका है, लोगों में एक कयास आराइया चल रही है कि अब शिवाजी सोनकर की जीत पक्की है। इसी तरह इन्होंने नॉमिनेशन भरा, इनके नॉमिनेशन के वक्त काफ़ी तादाद में लोग मौजूद रहे और शिवाजी महाराज के जय जयकार करते हुए चले जा रहे थे। और उनका मकसद यही है कि इस बार समिति को जिताकर ही हम दिखाएंगे, क्योंकि बेलगावी साउथ में और बेलगावी ग्रामीण में मराठा लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, इससे समिति को फायदा हो सकता है। पिछले बार फायदा हो चुका था, अब देखना यह है कि काया पलटती है या मराठी लोग और कहीं जाकर वोट डालते हैं, या कांग्रेस पार्टी की जीत होती है या बीजेपी की। आइए देखते हैं शिवाजी सोनकर ने किस तरह से अपने साथियों के साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए और लोगों ने किस तरह से उनके लिए नारे लगाए। आइए देखते हैं।